फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। साउथ अमेरिकी देशों में सूखे के चलते सोयाबीन के उत्पादन में कमी आ सकती है। ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में कमी रहने के चलते वैश्विक सोयाबीन उत्पादन कम रह सकता है। इससे अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। देश में जैविक कपास का उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जैविक कपास के उत्पादन में 2016 से 17 से 423% की वृद्धि हुई है। वहीं 2016-17 में यह 1.55 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 2020-21 में 8.11 लाख मीट्रिक टन रह गया है। विदेशी बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ, पामोलियन तेल की कीमतों में सुधार का रुख है। वहीं सरसों की नई फसल की मंडी में आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट के साथ ही बंद हुए। भारतीय व्यापारियों ने अमेरिका से सोया तेल आयात करने के लिए सौदे किए हैं। भारतीय व्यापारियों ने अमेरिका से लगभग 1 लाख टन सोया तेल का आयात करने के सौदे किए हैं। भारतीय व्यापारियों ने ये सौदे ऐसे समय में किए हैं जब पाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड हाई स्तर पर चल रही है। पिछले 2 महीने से शेयर बाजार में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमतों का तेजी से बढ़ना है। ब्रेंट क्रूड में 1 जनवरी 2022 से अब तक करीब 20% तेजी आई है। साल 2021 में धनिए की कीमतें नीचे में 5500 तक भी देखने को मिली थी, जो कि अब 2022 में 11000 के भी पार पहुंच चुकी है। 2021 के मुकाबले 2022 में धनिए की कीमतों में लगभग दोगुना उछाल देखने को मिला है। गत सप्ताह मौसम साफ होने से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के केशरों पर गुड़ का उत्पादन बढ़ गया है, जिसके चलते 100 रुपये से 200 रुपये प्रति क्विंटल की और गिरावट आ गई है। गत सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सीपीयू के भाव $20 से $25 प्रति टन और बढ़ जाने से सोयाबीन, बिनौला, चावल तेल भी सर पर तेजी बनी रही। सोया डीओसी के भाव भी 1000 से 1500 रुपये प्रति टन बढ़ गए। एक सप्ताह पूर्व की तुलना में बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में वियतनाम के चावल की निर्यात कीमत तेजी होती हुई 2 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कारोबारी और विश्लेषकों ने कहा है कि छुट्टियों के बाद कामकाजी गतिविधियों में तेजी आने से चावल की कीमत निर्यात कीमत में नवीनतम तेजी आई है। रूस यूक्रेन के बीच तनाव से पिछले हफ्ते सोना चांदी में मजबूती दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते विदेशी और घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर सोना चांदी मिले जुले रुख के साथ बंद हुए थे। पिछले हफ्ते विदेशी बाजार में सोने में लगातार तीसरे हफ्ते में तेजी दर्ज की गई। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।